हजो नमस्कार, हमें देवन बता दें आपको झांसी के हसारी में मौजूद है। हसारी के अंदर कल आप सभी को एक न्यूज दिखाई थी, वो न्यूज थी उनका नाम था एलिस। एलिस मैम थी जो सीधा सीधा डॉक्टर साहब के ऊपर आरोप लगा रही थी। डॉक्टर साहब मौजूद है हमारे साथ में, इनका नाम है डॉक्टर गौरव वर्मा जो कि उर्फ गौरी शंकर वर्मा। बता दें इनको साफ साफ इन डॉक्टर के ऊपर आरोप लगाया जा रहा था कि 50,000 रुपए लिए डॉक्टर साहब ने और प्लास्टिक के दांत लगाए। आपको सच्चाई बता दें डॉक्टर साहब ने जब हमें बताई सच्चाई तो बता दें, डॉक्टर साहब ने इलाज 2022-25 को इनके दांत लगाए थे जो कि जिरकोनिया कंपनी है, देख सकते हो हमारे पास ये प्रूफ है। जिरकोनिया कंपनी का इन्होंने डॉक्टर साहब ने दांत लगाए थे जो कि 2022 को लगाए थे पांचवें महीने में। और एलिस मैम का कहना है कि इन्होंने 20/6/2023 को इलाज किया है। हालांकि बता दें 21/6/2023 को इलाज किया है, ना तो 21/6 का इनके पास डॉक्टर साहब का कोई नाम है। पूरी सच्चाई तो यह है आखिरकार, जिस पर्चे का एड्रेस लिखा हुआ था कुशवा मार्केट, क्लिनिक का नाम था सोना डेंटल क्लिनिक जो कि कुशवा मार्केट के अंदर डॉक्टर साहब का यहां पर इनका मकान बना हुआ था। इनके मकान के अंदर डॉक्टर ए के वर्मा अरविंद कुमार वर्मा इनके पास आते हैं, किराए से बिल्डिंग मांगते हैं क्लिनिक खोलने के लिए। इन्होंने किराए से डॉक्टर साहब ए के वर्मा को क्लिनिक पर खोलने के लिए मौका दिया, उन्होंने क्लिनिक चलाई। उसके बाद डॉक्टर साहब आपको बता दें 2018 से लेकर 20 तक डॉक्टर साहब ने क्लिनिक चलाई। अब ये हम भी नहीं कह सकते कि ये आखिरकार 18 से 20 तक एलिस वहां गई थी क्या नहीं गई थी इलाज कराने के लिए, क्योंकि पर्चा डॉक्टर ए के वर्मा का मैम ने कल हमें दिखाया हुआ था जो कि 18 से 20 तक इनका कहना है 2018 से लेकर 20 तक डॉक्टर साहब ने हमारे घर पर क्लिनिक खोला हुआ था। परंतु एलिस मैम का कहना है कि सन 21/6/2023 को इलाज कराया था। इनका कहना है डॉक्टर साहब का कि प्रेजेंट में 3 सालों से वह क्लिनिक बंद है, कोविड काल से बंद है, डॉक्टर साहब चले गए हैं अपनी क्लिनिक बंद करके। फिलहाल डॉक्टर साहब के यहाँ इनके पास 21/6/2023 का मैम का कहना है, परंतु डॉक्टर साहब के यहाँ 20/5/2022 को डॉक्टर साहब ने एलिस मैम का इलाज किया, डेंटल क्लिनिक पर इलाज किया। इन्होंने जिरकोनिया का इन्होंने दांत लगाए हैं जो कि इनका कहना है, उसकी वैलिड भी है 19/5/2027 तक। फिलहाल 5 साल की वारंटी इन्होंने दिया था। ये कार्ड है डॉक्टर साहब का, अब इनसे जानते हैं कि पूरी सच्चाई क्या है, जिरकोनिया कौन सी कंपनी होती है, कहाँ से इन्होंने दांत अवेलेबल कराए थे और डॉक्टर साहब ए के वर्मा कहाँ के निवासी हैं, कहाँ से इन्होंने क्लिनिक खोलने के लिए मौका दिया था। डॉक्टर साहब प्रणाम। डॉक्टर साहब क्या लगता है, आपके नाम से कल वीडियो हमने चलाई थी, वो एलिस मैम है आरोप लगा रही हैं आप ऊपर कि आपने 21/6/2023 को इलाज किया, दांत लगाए और 50,000 रुपये आपने लिए। मैंने उन्होंने मेरे ऊपर मेरे पास आई क्लिनिक पर, तो क्लिनिक पर आई तो मैंने उन्हें कहा, उनके बेटे ने प्रिंस ने, डॉक्टर साहब मैं आपसे ही कैप लगवाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक दो जगह क्लिनिक पर दिखा आया हूँ कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि इतना महंगा क्यों होता है कैप, आप इतना मुझे थोड़ा चीप एंड बेस्ट बताइए जो जिरकोनिया लगवाना है। मैंने उनको जिरकोनिया लगाया है, बहुत चीप लगाया है और पेमेंट भी मैंने अभी उनसे पूरा लिया नहीं था, उन्होंने हाफ पेमेंट दिया था मुझे, सिर्फ 5,000 रुपये दिए थे, तो मैंने उनका लगा दिया था जिरकोनिया लगाया। जिरकोनिया की लाइफ होती है 5 साल की, देते लैब वाले 5 साल की, उन्होंने लैब गारंटी दी है, मैंने उनको लगाया और उसमें कोई प्लास्टिक का, अगर प्लास्टिक के दांत मैंने लगाए होते तो वो 2 मंथ या 1 मंथ के अंदर ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं, उसका कलर चेंज होने लगता है, लेकिन अभी तक उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, ना ऐसी दिक्कत हो रही कि वो दांत बड़ा, लेकिन उनको यही प्रॉब्लम लग रही है, किसी डॉक्टर के पास उन्होंने अभी दिखाया होगा नेक्स्ट मंथ में, तो बैक डेट में, तो उन्होंने कह दिया होगा किसी डॉक्टर ने कहा होगा ये प्लास्टिक के, लेकिन प्लास्टिक के होते तो अभी तक ब्रेक हो जाते, लेकिन इनको कम से कम 1 ईयर्स तो हो चुका लगाए हुए मेरे। हकीकत क्या है आपको, ये आपके पास कब आई थी 21/6/2023, हालांकि 2-4 दिन पहले आई थी ना, कब आई थी, आई थी मेरे पास 18-19 तारीख में आई थी, तो 6 मंथ 2022 में। अच्छा 2022 में आई थी मेरे पास, वो तो आपको आरोप 21/6/2023 को लगा रही है, मेरे पास नहीं आई थी, सिर्फ एक बार मिलने आई होंगी, मैं था नहीं, मिलने आई थी मेरे से, तो मैं गया था बाहर, मैं ट्रीटमेंट कराने दिल्ली गया था अपना, तो बोल रही है कि मैं डॉक्टर के पास गई हूँ, मेरे ने उनको दिखाया है, वो डॉक्टर के पास भी ले गए हैं, मेरे को उन्होंने बोला है कि ये सब सरासर मेरे को फंसाने के वो हैं,
मैं वैसी ट्रीटमेंट, इसलिए डॉक्टर ने मना किया है कि मैं दिल्ली में मेरा गंगाराम हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा है, मेरे हर महीने मेरे चेकअप कराने मुझे जाना पड़ता है। तो डॉक्टर ने कहा है कि आप अगर ट्रीटमेंट कुछ करेंगे तो वो आपको माइंड में डिस्टर्ब हो गया, फिर से वो आपके जो प्रॉब्लम कैंसर की प्रॉब्लम है वो बढ़ सकती है, इसलिए मैंने सब कुछ बंद कर रखा है 3 साल से। 3 साल हाँ, लेकिन है कि उनका दांत लगाने की प्रॉब्लम सॉल्व डॉक्टर ने अलाउ कर दिया कि किसी का नाप लेके दांत लगा सकते, ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। ट्रीटमेंट मैंने कुछ नहीं किया उनका, ट्रीटमेंट का मतलब ये होता है कि कुछ दांत निकालना, कुछ सर्जरी करना, ये ट्रीटमेंट होता है। अच्छा? सिर्फ दांत लगाना सिर्फ कुछ ट्रीटमेंट नहीं है ना कुछ है। एलिस मैम एक पर्चा भी लिए थी कल, हमें उन्होंने दिखाया जो कि 21/6/2023 का पर्चा था और सोना डेंटल क्लिनिक थी, वो किसकी क्लिनिक थी और कहाँ पे आपने? वो मेरा पुराना मकान है जो मैं, एक पड़ोसी रहने वाले मेरे रिलेशन में लगते हैं, वो मेरा मकान हड़पने की प्लानिंग कर रहे हैं। एक मकान तो हड़प चुके हैं किसी दूसरे का, सुरेश का, वो खत्म हो चुका है। वो मेरे मकान में कोई भी खरीदने आता तो उनको डरा के भगा देते कि इसमें कुछ भूत प्रेत वगैरह हैं, तो वो लेने बिक भी नहीं पा रहा है। मैं खाली 2 साल से वो खाली पड़ा हुआ है, उसी में क्लीन डॉक्टर ए के गुप्ता आए थे आज से 2020। गुप्ता ए के वर्मा, ए के वर्मा आए थे, डॉक्टर ए के वर्मा मेरे पास आए थे कि मुझे क्लिनिक चलाना है, मैं BDS करके आया हूँ। ये कब आए थे डॉक्टर साहब आपके यहाँ? ये आपके 2016 में आए थे, और जो 2020 में मार्च में खाली करके चले गए थे जब कोरोना स्टार्ट हुआ, तो उन्होंने क्लिनिक चलाई। सारा सेटअप मेरा लगा हुआ था, सिर्फ उनको क्लिनिक चलानी थी और थोड़ा सीखना था। अच्छा। हाँ, इसलिए मैं 20 ईयर्स से काम कर रहा हूँ, मुझे एक्सपीरियंस बहुत है। कितने दिन डॉक्टर साहब आपके यहाँ क्लिनिक खोले? 3 साल मेरे पास रहे वो। अच्छा। 3 साल मेरे इधर रहे और 3 साल चलाई उन्होंने, और कोरोना जैसी स्टार्ट हुआ मार्च में वो क्लिनिक बंद करके चले। अच्छा, उनका आरोप है कि जिस तरीके से 50,000 रुपये आपने लिए का डॉक्टर ए के वर्मा ने लिए, क्या है? एहसास का कोई जिक्र नहीं है मेरे पास, ना मैंने लिए, वो शायद वो डॉक्टर ने भी नहीं लिए, वो डॉक्टर जा चुके हैं किसी, जब से बता रहे हैं। कैब जो मैंने उनका कैब लगाया जिकोनिया, तो 50,000 की वो झूठ बोल रही है, सिर्फ 5,000 रुपये दिए मेरे को उन्होंने, 50 दिए हैं उसमें उन्होंने, बाकी जो बढ़ा दिए गए झूठ बोल रही है। जिकोनिया के दांत आपने लगाए हैं जी, आपने 20/5/2022 को लगाए हैं, फिर आखिरकार 21/6/2023 में क्यों आरोप लगा रही है एलिस? इसलिए लगा रही हैं, इसका मुझे कोई जानकारी नहीं है, कुछ साजिश चल रही हैं मेरे खिलाफ। मेरा मकान, मैंने उनसे एक बार बोला था कि उनके बेटे प्रिंस से कि मेरा वो मकान बिकाओ, उसे बिकवा दीजिए, तो उन्होंने मकान कह दिया था दे दीजिए मेरे को, मैं ले लूँगा, अब मुझे रजिस्ट्री सब जमा कर दीजिए, मैं उसको ले लूँगा। फिर पैसे की बात है तो नहीं, इसलिए मुझे जमा, वो मैंने मना कर दिया सब कुछ कि मैं आपको रजिस्ट्री दे सकता ना, आपके नाम कर सकता हूँ। फिर वो प्रेशर शीट डाल दें कि वो मकान मेरा हड़प लें प्रिंस और उनकी जो माता जी की, इसलिए मेरे को इसलिए प्रेशर डाल दें कि मैं इनको ज़्यादा उसमें फंसाऊंगी, इसको करेंगे तो वो मकान मेरे को देंगे। लेकिन व्यक्ति व्यक्ति तो ये आप आरोप नहीं लगा सकते क्योंकि आप उनसे मतलब नहीं है, आपको सिर्फ एलिस से मतलब है। एलिस ने पूछा है ना, मैंने नहीं उनसे, नहीं हम आपसे यह बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं 50,000 रुपये के और आपने दांत लगाए हैं, दांत की सच्चाई ये बताइए, 21/6/2023 में दांत लगाए और ये आप पेश कर रहे हो हमें 20/5/2022 को इन्हों डॉक्टर साहब ने दांत लगाए हुए हैं, और आखिरकार ये मामला कौन सत्य कौन असत्य है? क्या एलिस मैम झूठ बोल रही है कि आखिरकार 21/6/2023 का पर्चा, तो वो पर्चा कहाँ है, वो पर्चे के ऊपर डॉक्टर साहब ए के वर्मा कहाँ है, तो कहाँ है इस समय डॉक्टर ए के वर्मा और चले गए हैं? संपर्क किया आपने? वो बाहर चले गए, उनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है, कोई संपर्क नहीं, बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। नहीं, वो छोड़ के चले, कोई मतलब ही नहीं था उनकी, मैरिज हुई क्या हुई, कहाँ रहते थे वो, तो सिर्फ झांसी में शिवाजी नगर में थे। डॉक्टर साहब जिकोनिया कंपनी की आपने दांत लगा, किसके बेस से लगा है? प्रिंस ने बोला था दांत लगाने के लिए माता जी को उनके जिकोनिया के लगाइए कि आपने सलाह दिया? नहीं, प्रिंस ने प्रेशर डाला था। अच्छा, जिकोनिया के लिए, वैसे उसने खुद कहा था कि जिकोनिया, लेकिन जिकोनिया किसी को मालूम नहीं होता, डॉक्टर ही बताता है कि जिकोनिया आप लगवाइए, लेकिन उन्होंने कहा था जिकोनिया लगवाइए, लगाना चाहता हूँ मैं, कहीं कंसल्ट किया होगा किसी डॉक्टर से, उन्होंने कहा जिकोनिया सबसे बेस्ट है, लेकिन जिकोनिया लगते हैं 8-8, कुछ झांसी के डॉक्टर लगाते हैं 8,000 में एक लगाते हैं, लेकिन मैंने तो उनको 1,000-1,200 के हिसाब से लगाया था, लेकिन मैंने 5,000 तो उन्होंने दिए मेरे को बस, उसके बाद पेमेंट की बात हुई तो उन्होंने वो नहीं किया, रिस्पॉन्स नहीं दिया उनको। जिकोनिया कंपनी की आपने दांत लगा हुए हैं तो अभी लगे हुए हैं, कितने दिन इसकी वो है वैलिडिटी? 5 साल की वैलिडिटी होती है, 5 साल तक, और मैं डबल वैलिडिटी देता हूँ, कभी कोई दिक्कत हो मैं उसको रिपेयर कर सकता हूँ।
फिर नया बनवा सकता हूँ। तो सीधा सीधा एलिस मैम आपके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, तो इसके लिए क्या कहना चाहोगे आप प्रशासन से जो आपकी मदद हो, और डेट कैसे चेंज हो गई क्या लगता है आपको? देखो जो कार्ड बन गया था उसकी डेट कभी चेंज नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। जो पेपर है ये पुराना पेपर पे इन्होंने डेट डाली है, वो खुद डाली, मैं पे डाली नहीं है। मैं तो काम कर ही नहीं रहा हूँ, मैंने बंद रखी है क्लिनिक, जब कम तीन साल से बंद है मेरी, तीन साल से बंद है। ये इन्होंने कहा था कि आप सिर्फ इन्हीं का सिर्फ काम किया है मैंने 2023 में, तो उन्होंने लिखा है ना 22 में। बता दें आपको डॉक्टर साहब का ब्रेन कैंसर है ना, कैंसर का इलाज चल रहा है, देख सकते हो इनके पास पूरी रिपोर्ट है। अब ये कह रहा है तीन साल से हमने काम नहीं किया, तीन साल से काम नहीं किया तो 2022 में एलिस मैम का इन्होंने प्रेशर डाल के कि इनका दांत लगवाइए, इनका कहना है जी। अब जांच का विषय आकर पुलिस प्रशासन जांच करेगी, आकर ये सत्य बोल रहे हैं कि मैम सत्य बोल रही है। अगर ये इन्होंने 25/2022 को अगर इन्होंने दांत लगाया तो इनके पास ये प्रूफ है कंपनी का, जिरकोनिया कंपनी का प्रूफ है, तो ये सही है। तो मैम किस तरीके से 21/6/2023 का पर्चा डॉक्टर ए के वर्मा के नाम से हमें दिखा रही हैं, और डॉक्टर साहब गौरी शंकर वर्मा जी को, जो कि डॉक्टर गौरव वर्मा जी के ऊपर आरोप लगा रही हैं, क्या कहना चाहोगे प्रशासन से, इसके कैसी जांच होना चाहिए? मैं तो यही चाहता हूं कि मेरे को डिस्टर्ब ना किया जाए, डॉक्टर ने मना किया है, वो तो इन्होंने प्रेशर डाला है। ये टीचर हैं स्कूल में, तो आती थी मेरे पास दो या तीन बार आई हैं मेरे पास, और अपने टाइम से स्कूल से छूटती थी 2 बजे, 3 बजे मेरे पास आई, सिर्फ 3 सेटिंग या 4 सेटिंग में मैंने इनको काम किया है, 4 सेटिंग काम किया और मजबूरी में किया, मैंने अपने दवाई खा के इनको टाइम दिया है। ऐसे मैं पेशेंट नहीं देख रहा था, मैं 3 साल से ट्रीटमेंट चल रहा है, मुझे हर मंथ मुझे गंगाराम हॉस्पिटल जाना पड़ता है, मेरे पास सारे पर्चे सारी दवाइयाँ मैसेज अभी है अवेलेबल है। अभी इस नेक्स्ट मंथ मुझे फिर जाना है, इसी जुलाई में जाना है, 17/7 में जाना है। तो भैया ये थे डॉक्टर साहब गौरव वर्मा, और इनका ऑपरेशन हुआ है, देख सकते हो 7/9 को ऑपरेशन हुआ है। ये पूरी फाइल देख सकते हो आप, डॉक्टर फाइल पकड़ के दिखाइए आप कैसा। ब्रेन कैंसर है ने, और इनका फोटो साफ साफ देख सकते हो, इनको ऑपरेशन हुआ है। अब देखने वाली बात है कि इनकी किस तरीके से पुलिस प्रशासन जांच करके कौन गलत है कौन सही है उस पर कार्रवाई करें और इनकी मदद हो। ये डॉक्टर साहब मेरी फोटो ये देख सकते हो, साफ साफ फोटो आप ऑपरेशन की फोटो है डॉक्टर साहब की। ब्रेन स्टिच लगे हुए हैं 7/9/2020 को इनका ऑपरेशन ब्रेन कैंसर का सर गंगाराम हॉस्पिटल के अंदर इनका ऑपरेशन हुआ था। अब ये देखने वाली बात है कि जिस तरीके से एलिस मैम आरोप लगा रही है 21/6/2023 को डॉक्टर साहब ने इलाज किया है, आखिरकार 2023 में इलाज किया है, तो ये दांत का प्रूफ डॉक्टर साहब दिखा रहे हैं, दांत का प्रूफ है 25/5/2022 को इन्होंने डॉक्टर साहब ने जिरकोनिया कंपनी का दांत लगाया था, तो इनकी 5 साल की वारंटी भी है, गारंटी है, डॉक्टर साहब ने बोला है, पूरा साफ साफ देख सकते हो कौन सही है कौन गलत है, प्रशासन करेगी कार्रवाई। धन्यवाद।